श्री भागवत चिंतन ट्रस्ट परिवार की ओर से विजयनगर स्थित पुरुषोत्तम ग्रीन में दो दिवसीय श्री ज्वाला जी दीपोत्सव के आमंत्रण पत्र का ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विमोचन किया। 15 जून को नवदेवी शोभा यात्रा और 16 को भगवती जागरण व छप्पन भोग का आयोजन होगा। इससे पहले 13 को एमडी जैन मैदान पर भूमि पूजन और 14 जून को पुरुषोत्तम ग्रीन में महिला संगीत में महिलाएं मेहंदी लगाएंगी। श्री भागवत चिंतन ट्रस्ट परिवार की ओर से विजयनगर स्थित पुरुषोत्तम ग्रीन में दो दिवसीय श्री ज्वाला जी दीप्योत्सव के आमंत्रण पत्र का ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विमोचन किया। संस्थापक पंडित कृष्णा गौरव दीक्षित ने बताया कि श्री ज्वाला जी दीप्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 15 जून को नवदेवी शोभा यात्रा और 16 जून को भगवती जागरण व छप्पन भोग का आयोजन होगा। इससे पहले 13 को एमडी जैन मैदान पर भूमि पूजन और 14 जून को पुरुषोत्तम ग्रीन में महिला संगीत में महिलाएं मेहंदी लगाएंगी। कार्यक्रम संयोजक कमल शर्मा ने बताया कि पहले दिन 10 बजे फुलट्टी बाजार स्थित प्राचीन श्री माँ भगवती मंदिर पर पूर्णाहुति व महाभिषेक किया जाएगा और शाम को शोभा यात्रा में 3 दर्जन झांकियों के अलौकिक दर्शन, शहर के 6 प्रमुख बैंड, नासिक का प्रख्यात ढोल, केरल के 6 देवियां और त्रिपुरा के हनुमान भक्तों को आकर्षित करेंगे। शोभा यात्रा में माँ चामुंडा देवी मंदिर, कैला देवी मंदिर, प्रश्नु देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, कैलाश महादेव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, नरी सेमरी मंदिर, नैना देवी मंदिर, नौका बिहार की लाइव झांकी सहित 3 दर्जन डोले शामिल हो रहे हैं। वार्ता का आयोजन किया गया है मीडिया के माध्यम से पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को बताना चाह रहे हैं कि ज्वाला देवी जी की भव्य शोभा यात्रा 15 तारीख को और भव्य देवी जागरण जो प्रसिद्ध देवी के जो भक्त हैं लक्ष्मी सिंह लखा जी के द्वारा देवी जागरण एमडी जैन प्रांगण में कराया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी शहरवासी, सभी प्रदेशवासी इस कार्यक्रम में आएँ और माँ ज्वाला जी के दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। विजय अग्रवाल, संघा के उपाध्यक्ष। आज हमने आप लोगों के सम्मुख हमने एक वार्ता का रखा है जिसके माध्यम से हम समस्त आगरा वासियों को इन दो दिवसीय आयोजन में आमंत्रित करते हैं। इस भव्य आयोजन में समस्त आगरा वासी में सम्मिलित हूँ। भागवत चिंतन ट्रस्ट के द्वारा 15-16 तारीख को आगरा में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंतर्गत 15 तारीख को बहुत बड़ी शोभा यात्रा से फुलट्टी से स्टार्ट होकर और पूरे रामबरात मार्ग पर चलेगी निकाली जा रही है। 16 तारीख को देवी जागरण एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में होगा, जिसमें कि विश्वविख्यात भजन गायक माँ का गुणगान करेंगे लक्ष्मी सिंह लखा, मनोज शर्मा जी बोलेंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है शहर की जनता से अधिक संख्या में पधार कर दोनों कार्यक्रम में आनंद उठाएं। जी, ज्वालामाई का दीप्योत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें 15 जून को हमारी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 9 देवियों की उसमें सवारियाँ होंगी, 1 दर्जन से ऊपर झांकियाँ होंगी, 6 बैंड, नासिक के ढोल वाले और महाकाल की नंदी की सवारी, अन्य तरह के आकर तक केरला से भी झांकी आ रही है, पानीपत के हनुमान जी भी आ रहे हैं। इस तरह से 15 तारीख की हमारी शोभा यात्रा फुलट्टी से चलकर राम बरात वाले मार्ग पर घूमेगी। सोलह तारीख को भव्य विशाल एक देवी जागरण का आयोजन हो रहा है जो MDL इंटर कॉलेज ग्राउंड पर होगा। उसमें लक्ष्मी सिंह लखा, ग्वालियर से मनोज कुमार शर्मा और आगरा के अन्य 1 दर्जन से अधिक कलाकार उसमें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि शोभा यात्रा फुलट्टी चौराहे से सिंधी बाजार, फुब्बारा, किनारी बाजार, जौहरी बाजार, सुभाष बाजार, दरेशी, बेलनगंज, पथवारी, घटिया चौराहा से छिली ईट होती हुई फुलट्टी चौक पर समाप्त होगी। इसमें 8 प्रमुख स्थानों पर महाआरती व भव्य स्वागत किया जाएगा। मार्ग में पुष्प व इत्र वर्षा और मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी की जाएगी। इस अवसर पर संरक्षक एडवोकेट संजीव अग्रवाल, अजय गोयल, अज्जू राकेश भटनागर, महामंत्री केशव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अखिल मोहन मित्तल, उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, मनोज चतुरानी, नीरज अग्रवाल, रमेश चंद्र बघेल, अभिषेक गर्ग, नीरज गर्ग, अमन गर्ग, गौरव गर्ग, अनमोल मित्तल, विष्णु शर्मा, शिवांक आदि लोग मौजूद रहे। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।